कुछ लोगों ने मुझसे कहा भाई कूली नंबर वन का रिव्यू कर ले, फिर मैंने सोचा कि किसी फालतू मूवी को 2 घंटा देकर, फिर उस पर 2 और घंटा देकर उस पर रिव्यू बना के नेगेटिव क्रिटिसिज्म फैलाने से अच्छा है क्यों ना मैं उन अंडररेटेड लो बजट लो रीच वाली अच्छी मूवीज को पॉजिटिव प्रमोशन दे दूं। इस लिस्ट में हमने IMDb और गूगल रेटिंग से एवरेज रेटिंग निकाल कर फिर पर्सनल बायस हटाने के लिए हमने हाई बजट हाई रीच वाली मूवीज को एलिमिनेट किया है। तो शुरू करते हैं टॉप 10 मूवीज आई सॉ इन 2020। नंबर 10 पर है 2017 की टाइम ट्रैवल, बेस्ट मूवी ऑन टाइम ट्रैवल। सिर्फ $1 मिलियन में बनी थी ये मूवी, 27,000 IMDb रेटिंग्स और सिर्फ 600 गूगल रेटिंग्स है इस मूवी के। 2020 में मैंने जितनी भी टाइम ट्रैवल वाली मूवीज देखी ये उनमें से सबसे बेस्ट है। कहानी एक प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट्स की है जहां रिसर्च के चक्कर में प्रोफेसर एक गुफा में गायब हो जाता है। फिर उसी प्रोफेसर को ढूंढने के लिए जब उसके स्टूडेंट्स गुफा में जाते हैं तो उनकी जर्नी दिखाई गई। बाकी टाइम ट्रैवल मूवीज से काफी हटके मूवी है ये और इसकी IMDb रेटिंग जो कि 6.3 है बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती इस मूवी को। इस मूवी को देखने के बाद आप रिफ्लेक्शन फेज में चले जाओगे। मूवी के पोस्टर्स अच्छे नहीं हैं, समझ नहीं आता उन पोस्टर्स को देखे कि मूवी में क्या है, पर 1 घंटा 35 मिनट की ये मूवी आपको अलग ही दुनिया में लेकर जाए। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बट ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगी। एवरेज रेटिंग 6.6। नंबर 9 पे है 2019 की प्लेटफॉर्म, बेस्ट मूवी ऑन ग्रीड। 7 IMDb रेटिंग इस मूवी के लिए बहुत ही कम है क्योंकि जो कंसेप्ट लेके आए हैं मेकर्स सल्यूट है मेरा। इस मूवी को बेस्ट कंसेप्ट ऑफ द डेकेड का अवार्ड मिलना चाहिए। एक अलग ही तरह का प्रिजन दिखाया गया है मूवी में जहां हर 30 दिनों में प्रिजनर्स का प्रमोशन और डिमोशन होता है। लाइफ की फर्स्ट बेसिक नेसेसिटी जो कि फूड है वो सेंटर पॉइंट लेती है मूवी में। इंसान की लालच नीचपना जलन और सर्वाइवल को बहुत ही सही तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही ब्लंट तरीके से दिखाया गया है। एवरेज रेटिंग 7.6। नंबर 8 पर है 2019 की जैपनीज मूवी किंगडम, ये बेस्ट एक्शन मूवी है। ये मूवी देखने के बाद आप जॉन विक और रेड सीरीज को भी भूल जाओगे। बहुत ही हाई लेवल का एक्शन है मूवी में और अगर आपने एक्शन सीन्स के दौरान ब्लिंक भी कर लिया तो मतलब बहुत कुछ मिस कर दिया। प्लस एक्शन सीन्स का हाइप जो क्रिएट किया है म्यूजिक के थ्रू बहुत ही उम्दा बहुत ही लाजवाब है। दुनिया के बहुत ही कम लोगों ने ये मूवी देखी है। IMDb पर सिर्फ 1500 के आसपास कुछ रेटिंग्स हैं इस मूवी के। स्टोरी की बात करें तो दो दोस्तों की एक कहानी है जिसमें कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक की मौत हो जाती है जो दूसरे को हजम नहीं होती। बदले की आग में जो दूसरा दोस्त होता है वो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की सारी ताकत लगा देता है बदला लेने। एक्शन सीन्स की जो कोरियोग्राफी है बेस्ट है और ये आज तक की मैंने देखी हुई बेस्ट एक्शन मूवी है। ह्यूमर भी अच्छा है मूवी में कई जगहों पर, बहुत 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 ही इंटेंस मूवी है। और एक्शन मूवी फैंस को तो ये मूवी ड्रग्स की तरह, मतलब ड्रग्स से भी बड़ा वाला एडिक्शन देगी। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है ये मूवी और मेरा बस चलता तो इस मूवी को मैं नंबर 8 पे नहीं नंबर 1 पे रखता। एवरेज रेटिंग 8। ये मूवी आपको GoToTub.com पर फ्री में आप देख सकते हो। नंबर 7 पर है 2020 की खुदा हाफिज, बेस्ट मूवी ऑन पर्सनल मिशन। एक मिडिल क्लास आदमी और उसकी वाइफ को जब रिसेशन की वजह से अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है तो डेस्परेशन के कारण वे UAE में अपने अपने फील्ड्स में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके बाद समीर की वाइफ फंस जाती है। फिर अपनी वाइफ को सेक्स ट्रैफिकिंग से बाहर समीर लोकल पुलिस और थोड़े कॉमन सेंस की हेल्प से कैसे बाहर निकलता है यही सब है इसमें। सरप्राइजिंग चीज ये था कि मूवी बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, रियलिस्टिक है, कुछ भी फेक नहीं लगता है इस मूवी में। सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस अच्छी है, फिर चाहे वो विद्युत हो या आहना हो या शिवानिका हो या अनु कपूर। फिल्म के सॉन्ग्स भी काफी डिसेंट है, लोकेशंस भी अच्छे हैं। एवरेज रेटिंग में दूंगा 8.2। अगर आप एक मूवी लवर हो तो आपको सबटाइटल्स के साथ उन मूवीज को देखने की आदत डाल लेनी चाहिए जिनकी लैंग्वेजेस आपको नहीं है। हमारे लिस्ट में अगली मूवी जो है वो भी एक ऐसी मूवी है जिसकी लैंग्वेज मुझे नहीं आती। जी हाँ, ये भी एक और जैपनीज मूवी है, 2018 की छिहाया पुरु पार्ट 3। ये मूवी देखने के पहले आपको पहले दो पार्ट्स अगर आप ना भी देखें तो भी चलेगा। ये हमारे लिस्ट की सबसे अंडररेटेड और सबसे लो रीच वाली मूवी है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है
कि IMDb पर इस मूवी के सिर्फ 450 रेटिंग्स हैं और गूगल पे तो सिर्फ 5 या 6 रिव्यूज हैं। दुनिया के बहुत ही कम लोगों ने देखी है ये मूवी, तो मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ, बहुत ही लकी मानता हूँ कि ऐसी मूवी मुझे डॉल्बी एटमॉस वाले थिएटर में देखनी है। वैसे तो मूवी में लव ट्राइंगल है, बट इस मूवी की USP एक स्पोर्ट है जिसमें लोग कार्ड्स खेलते हैं, वो भी इस तरह की पूरी बॉडी की ताकत और फुर्ती लग जाती है खेलने। बहुत ही अलग स्पोर्ट है और देखोगे तो समझ भी जाओगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्लस इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है एक नंबर है यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। 1 साल हो गया मुझे ये मूवी देख के, पर अभी तक इसका जो थीम म्यूजिक है आज भी मेरे दिमाग में मतलब गूंजते रहता है। करियर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स को लेकर ये आपको टीनेज लाइफ की याद जरूर दिलाएगा। टीम वर्क के कई अच्छे एग्जांपल सेट करती है ये मूवी। काफी क्यूट मोमेंट्स भी है मूवी में। मूवी की एंडिंग काफी रियलिस्टिक है। एवरेज रेटिंग 8.3 और ये मूवी आपको u.casa वेबसाइट पर आप ये देख सकते हो। नंबर 5 पर है 2020 की लूट केस, बेस्ट सिटकॉम मूवी। एक आम आदमी को जब अचानक से 10 करोड़ का सूटकेस एक अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिल जाए तो वो क्या करेगा, यही चीज इस मूवी में दिखाई गई। मूवी आपको काफी हंसाएगी। कुणाल खेमू, रसिका दुगल, विजय राज, रणवीर, शौर्य, गजराज राव, छोटा बच्चा, सभी एक्टर्स इस मूवी को नेक्स्ट लेवल तक लेके गए हैं अपनी एक्टिंग से। एक आम आदमी की मासूमियत, उसके छोटे से सपने और बाहर की दुनिया, यही सब है इस मूवी में, काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया। एवरेज रेटिंग 8.5। नंबर 4 पर है 2017 की वंडर, बेस्ट मूवी ऑन लाइफ लेसन। एक एबनॉर्मल फेस वाला बच्चा जब 10 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जाता है और फिर उसकी मम्मी ये डिसीजन लेती है कि उसका बेटा अब स्कूल जाएगा, कैसे बाहर की दुनिया को वो फेस करता है, क्या क्या मेंटल, इमोशनल और फिजिकल चैलेंजेस का वो सामना करता है, बुलिंग को कैसे फेस करता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताया गया है। मूवी ये मैसेज देती है कि हर कोई अपनी लाइफ में लड़ रहा है, किसी न किसी चीज में स्ट्रगल कर रहा है, सो यू हैव टू बी काइंड टू ऑल। एवरेज रेटिंग 8.8। नंबर 3 पर है 2019 की तेलुगु मूवी मत्तु वडाला, बेस्ट मूवी ऑन क्राइम कॉमेडी, बेस्ट एडिटिंग, ऑसम बैकग्राउंड म्यूजिक, सुपर कंसेप्ट, माइंड ब्लोइंग स्क्रीन प्ले आपको मिलेगा इस मूवी के अंदर। VFX भी बहुत अच्छे से यूज किया है। फिल्म का ह्यूमर आपको बहुत ही अलग तरीके से हिट करेगा। कहानी 3 रूममेट्स की है जो पैसा कमाने में काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने अपने जॉब से, तो कुछ शॉर्टकट तरीके यूज करते हैं फटाफट पैसे कमाने के लिए, जिसकी वजह से इनकी तीनों की लाइफ ऊपर नीचे हो जाती है। क्लाइमैक्स में काफी अच्छी सीख मिलती है। एवरेज रेटिंग 8.9। नंबर 2 पर है 2020 की तमिल मूवी सूररै पोट्रू, बेस्ट मूवी ऑन मोटिवेशन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट सॉन्ग्स, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट स्क्रीन प्ले। मूवी कैप्टन गोपीनाथ की लाइफ पर बेस्ड है, जो लो कॉस्ट एविएशन को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। कैसे इनका मकसद इनके लाइफ से जुड़ा रहता है और क्या क्या चैलेंजेस रोज इनकी लाइफ में आते हैं, काफी अच्छे से बताया गया है। मूवी सिंपली फ्लाई बुक पर बेस्ड है। हीरो हीरोइन का जो रोमांस बताया गया है मूवी में और उसमें सॉन्ग्स और म्यूजिक का तड़का यूज करके जो सिंपल क्यूट रोमांस से पूरा इंटेंस रोमांस में जो कन्वर्ट होके दिखाया गया है, बहुत ही जबरदस्त है। मूवी आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड के बारे में अच्छे से सिखा देगी। मेरे लिए ये मूवी एक लैंडमार्क की तरह है, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब भले सबटाइटल्स के साथ ही क्यों ना देखनी पड़े, मैं देखूंगा तो सिर्फ अच्छी मूवी। सूररै पोट्रू मुझे इस साल की बेस्ट मूवी लगी। एवरेज रेटिंग 9.2। नंबर 1 पर है तेलुगु मूवी जो 2018 में रिलीज हुई थी, केयर ऑफ कंचरा पालेम, बेस्ट मूवी ऑन सोशल बिलीव्स, बेस्ट प्रेजेंटेशन। सिर्फ 50 लाख के बजट में ये मास्टरपीस बनी गई थी। 4 अलग अलग जेनरेशन की लव स्टोरीज और हर लव स्टोरी में सोसाइटी जो रोल प्ले करती है उसको बहुत ही ब्लंट तरीके से बताया गया। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं मूवी में आपको मुंह के बल नीचे गिरा देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान के दिमाग में क्या क्या भरा हुआ होता है। मूवी का बेस्ट पार्ट है इसका क्लाइमैक्स, जो आपको शॉक करके, नंब करके छोड़ देगी और आप अपनी सीट से निकल ही नहीं पाओगे। हमारे मानने ना मानने से हमारी सोसाइटी को कितनी उंगली करना होता है और फिर उस उंगल के वजह से जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लाइफ में, इसका सही एग्जांपल दिखाया गया है। पावरफुल क्लाइमेक्स के साथ एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है मूवी में,
एवरेज रेटिंग 9.4 है। और भी कई मूवीज थी जो हमने रिजेक्ट करी क्योंकि इनका बजट हाई था और काफी हाई रीच था, जिन वजह से ऑलरेडी बहुत से लोगों ने ये मूवीज देख चुके थे। आई होप आपको ये अंडररेटेड लो बजट और लो रीच वाली टॉप 10 मूवीज जो मैंने देखी इस साल, पिछले साल, आपको आई होप पसंद आएगी।